दोस्तों राउंड ऑफ लेआउट एक वेरिएशन है बैक फ्लिप का, जिसमें स्ट्रेट बॉडी रखते हुए पूरा रोटेशन कंप्लीट करना होता है। इसलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे राउंड ऑफ लेआउट को किस तरह से प्रैक्टिस करें जिससे इसे जल्दी से जल्दी सीखा जाए। और इसको इजीली समझने के लिए हम इसे तीन भागों में सीखेंगे, नंबर एक राउंड ऑफ, नंबर दो बैक हैंड स्प्रिंग और बैक फ्लिप, और नंबर थ्री लेआउट। मैं हूं रविंद्र राणा, फिजिकल ट्रेनर एंड फिटनेस कोच। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राउंड ऑफ लेआउट सीखने से पहले कम से कम आपको बैक हैंड स्प्रिंग या फिर बैक फ्लिप टूटा फूटा कम से कम आना चाहिए, तभी जाके आप लेआउट को ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो पहले आपको बैक हैंड स्प्रिंग सीखना होगा और उसके बाद बैक फ्लिप, देन आप ट्राई कर सकते हैं लेआउट को। तो गाइस फर्स्ट स्टेप, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, उसमें हम राउंड ऑफ को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम एडवांस राउंड ऑफ करने वाले हैं, जिससे कि ज्यादा एनर्जी आप ज्यादा फोर्स अप्लाई कर सके अगले मूवमेंट के लिए, यानी लेआउट के लिए। अगर आपको बेसिक राउंड ऑफ नहीं आता है तो मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल वीडियो बना रखा है, लिंक दे रहा हूँ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके पहले बेसिक राउंड ऑफ को सीख सकते हैं। हम एडवांस राउंड ऑफ किस तरह से करना है वो देखेंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग में आप वन स्टेप जंप लेके आपने क्या करना है, राउंड ऑफ को परफेक्ट करना है। ध्यान से देखें किस तरह से करना है, यहाँ से पूरा स्विंग लेना है और अभी आपने पूरा फोर्स अप्लाई करना है हाथों के, जो आपका ये सपोर्टिंग हैंड है, दूसरा हैंड है आपका पुशिंग हैंड है, उससे फुल पुश करना है और अपने लेग को पूरा स्विंग के साथ पूरा पीछे से 90 डिग्री लेके जाना है। अब पूरा राउंड ऑफ को दूर फेंकना है अपने पैरों को जितना हो सके, पूरा फोर्स। एंड अब यहाँ पर जब आपके पैर यहाँ पर लैंडिंग होंगे तो एक एंगल मिलता है हमें 60 डिग्री या 70 डिग्री एंगल का, जो एक एंगल मिलता है उस एंगल में हमने पैरों को थ्रो करना है, ताकि आपको ऊपर के लिए क्या मिले, फोर्स मिले। एंड फोर्स के साथ आपने क्या करना है, बॉडी को फेंकना है दूसरी तरफ और पैरों के थ्रू आपने जंप करना है। जब आपके पैर यहाँ पर लैंड करेंगे तो उस समय आपने टो के द्वारा, आपके टो लगेंगे पहले और टो के थ्रू ही आप अपने बॉडी को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जंप करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट रनिंग के साथ राउंड ऑफ को कंप्लीट करेंगे। पूरा ध्यान से देखें एक बार। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आप, आपने हाथ से पुश करने के बाद पैर लगने से पहले आपका हाथों का मूवमेंट ऊपर आ जाना चाहिए, जिससे कि आप इससे फोर्स अप्लाई कर सके लेआउट के लिए। जब आप लेआउट करेंगे तो आपके हाथ फ्री होने चाहिए ऊपर जाने के लिए पैर लगने से पहले, और जब पैर लगेंगे तो आपने पैर से पूरा पुश लेके पीछे नहीं जाना है, ऊपर की तरफ आपने जंप लेते हुए क्या करना है, लेआउट को कंप्लीट करना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में अब हम फ्लिप की रोटेशन को प्रैक्टिस करेंगे। तो रोटेशन को किस तरह से प्रैक्टिस करना है ध्यान से देखें। सबसे पहले हम बैक हैंड स्प्रिंग को प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद बैक फ्लिप को इम्प्रूव करेंगे, और उसके बाद हम लेआउट में किस तरह से कन्वर्ट करना है उस चीज़ को वो ध्यान से देखेंगे। मैंने पहले बताया गाइस, जब आप लेआउट प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे पहले आपको बैक हैंड स्प्रिंग आना चाहिए। अगर आपको बैक हैंड स्प्रिंग नहीं आता है अभी तक, तो मैंने उसका भी ट्यूटोरियल वीडियो बना रखा है और आप उसको देख के ईजिली लर्न कर सकते हैं बैक हैंड स्प्रिंग, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ से आपका पूरा मूवमेंट आएगा। सबसे पहले एक दो बार आप क्या करें, पूरा जंप ले ले हाथों का स्विंग करते हुए, पूरा राउंड अप में आपने हाथों का स्विंग करना है इस तरह से। देन आपने इसी को कन्वर्ट करना है बैक हैंड स्प्रिंग ओवर में। सबसे पहले पूरा हाथों का स्विंग पीछे की तरफ लेके जाएं एंड देन जंप करें, हवा में रोटेशन रखें बॉडी को, उसके बाद लास्ट मूवमेंट में आपने हाथ को लगाना है। ध्यान से देखें इस तरह से आपने पूरा बॉडी को हवा में रोटेशन करना है एंड देन कंप्लीट करना है हाथ लगा के। सो गाइस बैक हैंड स्प्रिंग को ओवर प्रैक्टिस करने के बाद साथ ही साथ आपने बैक फ्लिप की प्रैक्टिस भी करनी है इसी स्टेप में। बैक फ्लिप में नॉर्मली हम टक करते हैं पैर को और हाइट लेने की कोशिश करते हैं, इसमें भी आपने पूरा जंप करना है लेकिन बिना टक करे आपने रोटेशन होने की प्रैक्टिस करनी है। ध्यान से देखें इस तरह से आपने बैक फ्लिप को भी प्रैक्टिस करना है इसमें। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉडी को स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे। आपने एक बैक हैंड स्प्रिंग प्रैक्टिस करनी है जिसमें ओवर होना चाहिए, मतलब बॉडी का वेट ओवर जाना चाहिए बैक हैंड स्प्रिंग का, और एक आपने क्या करना है, बैक फ्लिप प्रैक्टिस करनी है जिसमें जितना हो सकता है आपने बॉडी को स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है। ध्यान से देखें स्टार्टिंग में आपने पूरा जंप लेना है और बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेट करते हुए फिर टक करके रोटेशन कंप्लीट करना है। स्टार्टिंग में ही पूरा स्ट्रेट जाएंगे तो गाइस आपको इंजरी हो सकती है, इसलिए क्या करना है आपने धीरे धीरे बॉडी को स्ट्रेट रखने की कोशिश करना है। जब आप स्ट्रेट रखेंगे तो आपने क्या करना है, चेस्ट को ऊपर की तरफ, यहाँ से स्विंग लेने के बाद चेस्ट को प्लस हेड को आपने पीछे की तरफ क्या करना है, एकदम जल्दी से फ्लैक्स करना है और जंप को ऊपर की तरफ लेना है। इस तरह से लेने की कोशिश करना है। जब आप जंप ऊपर की तरफ करेंगे और हाथों की स्विंग
चेस्ट को और हेड को फ्लेक्स करेंगे नीचे की तरफ, तो आपका स्ट्रेट मूवमेंट आने लगेगा जो कि राउंड अप के बाद लेआउट करने में आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। इस तरह से आपने पूरा बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए और एक्स्ट्रा जंप लेते हुए बैक हैंड स्प्रिंग को प्रैक्टिस करना है और बैक फ्लिप को, ये आपका स्टार्टिंग मूवमेंट आ जाएगा बैक फ्लिप का। ऐसे एंड इस तरह से आपने क्या करना है, ओवर बैक हैंड स्प्रिंग करना है। आपका वेट जो है पैरों में आना चाहिए, लास्ट मूवमेंट में आप हाथ लगा सकते हैं इसमें और बॉडी को जितना हो सकता है स्ट्रेट रखने की कोशिश करें। इस तरह से आपने क्या करना है, थोड़ा सा हाइट से लेने का ये फायदा हो जाएगा कि आप पूरा फ्लैक्स कर सकते हैं बॉडी को नीचे की तरफ और धीरे धीरे इसको आपने ग्राउंड में प्रैक्टिस लेके जाना है। इस तरह से आप स्ट्रेट बॉडी लेके आ सकते हैं यहीं पर सॉफ्ट लैंडिंग पिट पे। सो गाइस बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में अब आपने फर्स्ट टू स्टेप्स को कंबाइन करना है, दोनों को एक साथ ज्वाइन करना है। हम राउंड अप बैक हैंड स्प्रिंग से स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखें, इस तरह से आपको स्टार्टिंग में एक तो सॉफ्ट लैंडिंग पिट ले लेना है या फिर आपके पास मैट है तो मैट भी काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि उसमें ज़्यादा पुश मिलता है आपको। तो या तो इस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग पिट ले लें या फिर मैट ले लें, जिससे आपको ईजी हो जाएगा लर्न करने में राउंड अप लेआउट को। तो स्टार्टिंग में आपने ज्वाइन करना है, पहले राउंड ऑफ करना है, रुकना है, फिर आपने बैक हैंड स्प्रिंग करना है। यहाँ पर रुकना है, अभी यहीं से आपने बैक हैंड स्प्रिंग को कंप्लीट करना है। इसी को आपने कंटिन्यू मोशन में लाना है धीरे धीरे। ध्यान से इस तरह से पूरा राउंड ऑफ, इस तरह से आपने बैक हैंड स्प्रिंग को कंप्लीट करना है कंटिन्यू मोशन में। अब आपने यहीं पर इसी स्टेप में बैक फ्लिप का भी प्रैक्टिस करना है ताकि आप लेआउट के लिए आपको हाइट मिल सके, क्योंकि आपका लेआउट तभी कंप्लीट होगा जब आप राउंड ऑफ के बाद हाइट में कन्वर्ट कर सकेंगे उसको। तो इस तरह से आपने बैक फ्लिप की भी प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से आपका स्टार्टिंग में आ सकता है थोड़ा सा लो होगा, कोई बात नहीं, आपने स्विंग को इम्प्रूव करना है और जंप को इंक्रीज करना है जिससे आपका लेआउट भी परफेक्ट आने लग जाएगा। तो धीरे धीरे आपने राउंड अप की जो स्विंग है उसको इंक्रीज करनी है और राउंड अप के बाद जो आपका बॉडी एंगल बनता है, ये एंगल में जो 60-70 डिग्री एंगल बनता है आपका, उसी एंगल में अभी आपने बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकना है, पीछे नहीं जाना है, थोड़ा सा ऊपर फेंक के लेग को स्ट्रेट करते हुए लास्ट मूवमेंट में आप टक करके बैक फ्लिप को कंप्लीट करेंगे। स्विंग इस तरह से आपने अभी स्ट्रेट करने की कोशिश करनी है। ध्यान दें गाइस, जब आप धीरे धीरे स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे तभी आपका फुल लेआउट स्ट्रेट हो पाएगा। और स्टार्टिंग में इस तरह से आपने सॉफ्ट लैंडिंग पिट ले लेना है जिससे आपको कोई इंजरी भी नहीं होगी और सीखने में भी आपको आसानी होगी। फाइनली गाइस, इतना प्रैक्टिस करने के बाद, इसमें कॉन्फिडेंट होने के बाद आप ग्राउंड में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइज, ये था लेआउट का बेसिक टू एडवांस प्रोग्रेशन वीडियो स्टेप बाय स्टेप। अब आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है और जल्दी से सीखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हम फ्यूचर में आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। बाय बाय।